बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो अल अंसारी के रिलेटेड हमारी वीडियो है कि अल अंसारी मोबाइल ऐप को आप यूज़ करते हुए कैसे आप किसी के भी नाम पे बाय नाम यानी कि आप पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि यार किसी का जो है वो अकाउंट नंबर नहीं होता, अकाउंट में नहीं भेजते हैं यार। कोई ज़्यादातर आदमी जो है वो बाई नेम पैसे भेजते हैं यानी कि शिनाख्ती कार्ड के ज़रिए। तो हम उसके रिलेटेड आज वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो कल एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो देख के आप बाय नेम भी जो है वो भेज सकते हैं। उसका कार्ड भी मैं वीडियो के एंड पे दे दूंगा। और इसमें इसकी ऐप में अल अंसारी की जो मोबाइल ऐप है इसमें रजिस्टर कैसे होना है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऊपर जो आई बटन है इसमें भी सामने शो हो जाएगा आपको। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने अकाउंट इसमें लॉगिन किया हुआ है तो मैंने जो है यू ए पास के ज़रिए लॉगिन किया हुआ है, तो यू ए पास पर क्लिक करूँगा तो इस पे लॉगिन हो जाते हैं हम। इधर जो है वो हमसे अपना कोड मांगेगा, पिन कोड डाल दिया तो लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन विद यू आई पास हो गया हूँ मैं, इसमें लॉगिन हो गए हैं। उसके बाद जो है सेंड मनी पे क्लिक करेंगे। ये जो मुबीन अहमद पाशा, ये मैंने एक ट्रांजैक्शन की थी, ये बाय बैंक की थी यानी कि बैंक अकाउंट में मैंने पैसे भेजे थे। तो आज जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ वो बाय नेम है। बाय नेम कैसे सेंड करते हैं, हम सेंड पे क्लिक किया। उसके बाद इधर आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री मैंने अभी पाकिस्तान में ही भेजनी है तो पाकिस्तान ही रहने दूंगा। उसके बाद ऐड न्यू, क्योंकि जो ऑलरेडी मेरे पास है बेनिफिशियरी सेलेक्ट है वो तो मैंने पहले भेज दिया है, लेकिन अभी मैं दूसरे नाम पर भेजना चाहता हूँ तो ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। तो इधर ट्रांजेक्शन मोड आ गया। इधर ये देख लें, दो ऑप्शन आ गए हैं, बैंक ट्रांसफ़र या कैश पिकअप। तो हमने मैंने आपको बताया है कि मैं बाय नेम भेजना चाहता हूँ तो कैश पिकअप पे क्लिक करूँगा। उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक यानी कि कौन से बैंक में भेजना चाहते हैं आप, तो ये नीचे बैंक भी दिए हुए हैं तो मैं जो है पे आउट एनी वेयर यानी किसी बैंक से भी जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद नीचे है सर्विस टाइप, तो इंस्टेंट ट्रांसफ़र है, इस पर क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। इधर जो है वो हमसे बेनिफिशरी की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर, रिसीवर नेम और नेशनलिटी। तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है ताकि आपको टाइम जो है वो बच सके। तो मोबाइल नंबर से पहले जो आपने डालना है उसका कोड, कंट्री कोड ज़रूर डालना है आपने। तो उसके बाद फुल नेम, उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमारा जो है बेनिफिशियरी ऐड हो गया है। सेफ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल पे। ये देख लें, ओटीपी आ गया अंसारी की तरफ से। ओके किया तो डन हो गया है। ये आ गई है हमारी बेनिफिशियरी की डिटेल। तो सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो इधर मैंने लिखना है कि कितनी हम अमाउंट भेजना चाहते हैं। तो इधर आप पाकिस्तानी जितने भेजना चाहते हैं वो लिखेंगे तो फिर भी जो है वो आपका आ जाएगा। मैं अभी 20,000 भेजना चाहता हूँ तो इधर नीचे ओके करूँगा। तो ये देख लें, 407.75 दिरहम आ गए हैं। रेट जो है वो नीचे देख लें, एक्सचेंज रेट 49.05 दे रहा है आज का रेट। तो सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये नीचे सेलेक्ट पे क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि किसके ज़रिए आप जो है पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट मोड जो मैं वो पूछ रहा है कि वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, या बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या क्रेडिट कार्ड है आपके पास। तो सब पे जो है फ्री है, आपका कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। खाली क्रेडिट कार्ड पर जो है वो आपको 21 दिरहम जो है वो आपके कटिंग होंगे। तो मैं वीज़ा डेबिट कार्ड जो है वो यूज़ करूँगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये जो है मैंने पहले भी बताया था आपको, टर्म एंड कंडीशन आएंगी इसमें। ये जो आपसे पूछ रहे हैं कि वीज़ा कार्ड आप इस बैंक का जो है जो नाम लिखे हुए हैं इन बैंक का आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं मशरक़ का यूज़ कर रहा हूँ। टर्म एंड कंडीशन को ओके किया, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन ये आ गई है सामने। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमको जो है वो बता रहा है इसमें ड्रा का भी क्योंकि सिस्टम होता है। तो ओके करता हूँ मैं इसको। इधर जो है सोर्स फंड पूछ रहा है, सैलरी इस पर क्लिक करते हैं। पर्पज़ आर ट्रांजेक्शन पूछ रहा है, पर्सनल नीड पे इस पर लिख दें। उसके बाद सब पर्पोज पूछ रहा है, इसमें फैमिली मेंटेनेंस लिख दें।
उसके बाद नीचे फिर टर्म एंड कंडीशन है, इनको ओके करें। उसके बाद आप जो है वो कंफर्म पे क्लिक कर दें। जो है इधर आप ओके करेंगे तो सीधा जो है वो आपको आपकी जो जिधर से आप पैसा कटिंग करवाना चाहते हैं, तो मैं जो है वीज़ा कार्ड है मेरा उसकी एप्लीकेशन पे ये सीधा मेरे को लेके जाएगा। उधर हम इसको अपनी इंफॉर्मेशन देंगे अपने क्रेडिट कार्ड की, सॉरी डेबिट कार्ड की। ये देखें पेमेंट मेथड पे आ गया है। इधर वो हमसे कार्ड नंबर पूछ रहा है, कार्ड नंबर मैं इधर लिखता हूँ। कार्ड नंबर डाल दिया हमने, एक्सपायरी मंथ भी डाल दिया और एक्सपायरी ईयर भी डाल दिया। उसके बाद पीछे जो है इसका कोड होता है, कोड मांग रहा है, जो तीन आपके कार्ड के पीछे नंबर लिखे होते हैं वो कोड होता है। कार्ड होल्डर का नाम पूछ रहा है, तो इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। नाम लिख दिया, उसके बाद जो है पे दिरम 407.75 इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास जो है मशरक बैंक की तरफ से जो है हमको OTP आएगा। ये OTP आ गया है हमको, वेरीफाई ट्रांजैक्शन करेंगे। पेमेंट हमारी हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, अगर आप वीडियो पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो ये देख लें हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो हो गई है। तो अगर आप रिसीव लेना चाहते हैं, आपको रिसीव चाहिए तो ये नीचे रिसीव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं ईमेल करना चाहता हूँ, यानी कि जो इसकी रसीद है वो मेरी ईमेल पर आ जाए, तो मैं ईमेल पर क्लिक करूँगा। तो ये डन हो गया है। अभी हम देखते हैं अपनी ईमेल पे कि हमको ईमेल आई है इनकी या नहीं आई। तो सीधा ईमेल पे चलते हैं, इसको थोड़ा रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखें हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो आ गई है, ये रिसीव आ गई है हमको। ये रेफरेंस नंबर उन्होंने दे दिया है, नीचे नाम है, पेमेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।